क्या डिमांड बताया आपने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जी। चलते हैं, i10 Grand 2017 की है, आस्था है, टॉप वाला मॉडल है। मतलब 75,000 के डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल सकती है? नहीं नहीं, 75,000 में भी नेगोशिएबल है अभी। 75,000 में भी नेगोशिएबल है। तो कितने के डाउन पेमेंट में गाड़ी छोड़ दोगे? करीब करीब 50 से 60 हजार रुपए के आसपास में हो जाए। थार का क्रेज भाई बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हमारे पास है ब्लैक कलर। लो कितने बड़े बड़े टायर है गाड़ी के अंदर। करीब 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास। 1 से 1.25 लाख रुपए में। तो भाई 1 से 1.25 लाख रुपए आपके पास है तो आप थार लेकर के जा सकते हो। ये 2021 की है, S5 है, हो जाएगा मंदिर पे। इस पे भी 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में हो जाएगा। कौन सा वाला मॉडल है? टॉप एंड है, लग्जरी प्लस। मतलब कौन से ईयर का है ये? 2022। ये गाड़ी 2022 मॉडल की है। हमारे कोई भाई अगर नई गाड़ी लेने जाते हैं, उसकी जगह ये गाड़ी लेते हैं तो उनको क्या फायदा होने वाला? 2023 मॉडल है, 1.5 महीने करीब पुरानी है, 3,000 ड्राइवन है। पेमेंट की बात करो तो 1 से 1.25 लाख के अंदर हो जाएगा। ये एक इनोवा हमारे सामने आ रही है। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि गाड़ियाँ काफी ज्यादा आपके लिए पसंदीदा होने वाली। लोडिंग गाड़ी के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस आती रहती है, कमेंट कर रहे थे। और भाई देख रहे हो हमारे पीछे कितनी सारी गाड़ियों का स्टॉक है, जैसा कि आपको सिनेमेटिक में भी आपको गाड़ियाँ दिख पा रही हूँ। मिलेंगे और गाड़ियों के ऊपर बातचीत करेंगे। सभी गाड़ियाँ आपके लिए बहुत ही अच्छे बजट की और फाइनेंस सभी गाड़ियों पे होने वाला। वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदीप भाई। आज लेकिन शुरुआत करते हैं एक मारुति अल्टो से। सबसे कम बजट वाली गाड़ी? सबसे कम बजट वाली गाड़ी हमारे पास यही खड़ी है, 2011 की है, सेकंड ओनर है, और 1.5 लाख रुपए की सिर्फ डिमांड है इसकी। क्या डिमांड बताया आपने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जी। चलिए भाई, गाड़ी की कंडीशन आप देख लो, गाड़ी काफी बढ़िया कंडीशन में है। डिटेल आपको मंदीप भैया ने बता दी है, सब चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। और बहुत सारी गाड़ियां आज हमको देखने को मिलने वाली है। इस गाड़ी पे मंदीप भैया कुछ नेगोशिएशन होने वाला है क्या? इस पे थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा। मान सम्मान हो पाएगा। तो कौन से साल की है गाड़ी? है 2011 की है। 2011 मॉडल है। आप एक बार गाड़ी चेकआउट कर लो पूरी तरह से, और गाड़ी की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी जितनी भी गाड़ियां आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहली गाड़ी आपने देख ली है, सेकंड कौन सी गाड़ी देखने वाले हैं मंदीप? ये देख लेते हैं, i10 Grand 2017 की है, आस्था है, टॉप वाला मॉडल है, 2017 की, 4,75,000 रुपए की डिमांड है इसकी। ये पेट्रोल में है या डीजल? पेट्रोल में है भाई। गाड़ी कंडीशन आप देख लो, डिमांड आपको बता दी है। इस गाड़ी पे मैं चाहूंगा मंदीप भैया कि इस पे फाइनेंस हो सकता है क्या? फाइनेंस हो जाएगा इस पे करीब करीब 4 लाख रुपए के आसपास। 4 लाख रुपए। क्या डिमांड क्या बताया आपने? 475। मतलब 75,000 के डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल सकती है? नहीं नहीं, 75,000 में भी नेगोशिएबल है अभी। 75,000 में भी नेगोशिएबल है। तो कितने के डाउन पेमेंट में गाड़ी छोड़ दोगे? करीब करीब 50 से 60 हजार रुपए के आसपास में हो जाएगा। तो ये गाड़ी भाई देख लो, 50 से 60 हजार के डाउन पेमेंट में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। हुंडई की ग्रैंड i10 है, डिटेल आपको बता दी है। अगली कौन सी गाड़ी देखने वाले हैं भाई? अंदर दिखाता हूँ मैं आपको शॉप। अंदर चलिए, आइए अंदर देखने वाले हैं। और भाई आपको सिनेमेटिक में पूरी गाड़ियाँ दिख गई होंगी, कितनी सारी गाड़ियों का स्टॉक है। एक वीडियो में तो कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारी गाड़ियाँ आज आपको कवर करके दिखाएं। एक वीडियो में कवर हो पाए, जितना भी हो पाएगा हम जरूर दिखाएंगे। और स्टॉक तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं ओवरऑल बहुत सारी गाड़ियों का है। अब कौन सी गाड़ी अगली गाड़ी दिखाने वाले हैं? आइए मैं आपको थार दिखा देता हूँ। थार का क्रेज भाई बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हमारे पास है ब्लैक कलर में। ऊपर से मॉडिफाई है पूरी गाड़ी है, 2021 मॉडल है, और इसकी डिमांड हम 15 लाख रुपए कर रहे हैं। 15 लाख रुपए 2021 मॉडल जी। डीजल में ही है? डीजल में है 4x4 हार्ड टॉप, टॉप एंड वाला मॉडल है, मैनुअल में। तो भाई गाड़ी की कंडीशन में आपको चाहूंगा कि पूरी तरह से दिखा दो। टायर भाई देख लो कितने बड़े बड़े टायर है गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा। और ये जो येलो कलर का जो शेड आपको दिख पा रहा है, ये काफी ज्यादा आई कैची, और साथ ही साथ ब्लैक कलर की पूरी गाड़ी है। डिमांड आपको बता दी है मंदीप भैया, इसमें बताओ क्या फाइनेंस हो सकता है?
कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे? करीब करीब अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो 13 लाख रुपए के आसपास का इसमें लोन हो जाएगा। लोन हो जाए मतलब 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट में उठा दे दोगे? करीब 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास। 1 से 1.25 लाख रुपए में? तो भाई 1 से 1.25 लाख रुपए आपके पास है तो आप थार लेकर के जा सकते हो। कौन सी जगह पर आना है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है मनदीप भैया ने। गाड़ी को आपको कोशिश करूंगा मैं कि चारों तरफ से एक बार आपको दिखा दूं। देख सकते हैं आप गाड़ी की पूरी कंडीशन। अगली कौन सी गाड़ी होने वाली है मनदीप जी? अगली ये देख लीजिए फोर्ड एस्पायर है, 2017 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और 4,50,000 की डिमांड है। 4,50,000 ये पेट्रोल में है कि डीजल? डीजल है ये, डीजल में। डीजल का टॉप एंड है ये, टाइटेनियम प्लस। टाइटेनियम प्लस भाई गाड़ी कंडीशन आप एक बार चेकआउट कर लो। डिमांड आपको बता दी है 4,50,000 जी, 450 की डिमांड है। इसमें कुछ नेगोशिएशन हो थोड़ा बहुत हो जाएगा। और लोग कहते हैं मतलब हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भाई फोर्ड की गाड़ियों पे और टाटा की गाड़ियों पे कुछ फाइनेंस का इशू रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हो जाएगा फाइनेंस। कितना क्या फाइनेंस हो सकता है? करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा। 2.5 से 3 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा। तो भाई गाड़ी कंडीशन आप देख लो और इस पर भी फाइनेंस की फैसिलिटी है। 2017 की गाड़ी है, डीजल में है फोर्ड की और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। ये सब सच चीज़ें आपको पूरी गाड़ी दिखाई दे रही है। चलिए अगली गाड़ी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं मनदीप भैया। कौन सी गाड़ी होने वाली है अगली गाड़ी हमारी जो कि हम दिखाने वाले हैं अपने भाइयों को? अगली कौन सी गाड़ी दिखाने वाले? क्रेटा देख लीजिए, 2019 मॉडल है, ईएक्स वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर है और इसकी 10 लाख रुपए की डिमांड है। 10 लाख रुपए जी। डीजल में है ये? डीजल में, फर्स्ट ओनर पे है, फर्स्ट ओनर। तो भाई गाड़ी कंडीशन इसकी भी आप चेकआउट कर लो, वाइट कलर में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और इसके ऊपर क्या डाउन पेमेंट होने वाला है? इस पे भी करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में हो जाएगा। इस पे भी 1.5 लाख रुपए आसपास डाउन पेमेंट। हाँ। कौन सा मॉडल आपने बताया इसका? 2019 की गाड़ी। तो भाई जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक हमने देखी है ऑलमोस्ट एवरेजन जो बात कर सकते हैं वो सभी 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए के डाउन पेमेंट में अभी तक मनदीप भैया ने हमको गाड़ी दिखाई है। मनदीप भैया के पीछे जो हम लोग देख पा रहे हैं स्कॉर्पियो खड़ी है और स्कॉर्पियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। हमारे पास कितनी स्कॉर्पियो है अभी? अभी स्कॉर्पियो हमारे पास 3 है, 2021 की 2 है और एक 2023 की है। कुछ दिखा सकते हैं क्या स्कॉर्पियो? आइए 2021 की मैं दिखा देता हूँ, 2023 की कहीं गई भी है। चलिए अभी देख सकते हैं स्कॉर्पियो हमारे सामने है और काफ़ी ज़्यादा भाइयों की डिमांड भी आती रहती है कि भाई स्कॉर्पियो दिखाओ हमको। तो स्कॉर्पियो आपको दिखा सकते हैं, बगल में BMW भी है लेकिन हम पहले स्कॉर्पियो दिखाएंगे। ये 2021 की है, S5 है और इसकी डिमांड हमने 12,95,000 रखी है और 63,000 ड्राइवर ने, फर्स्ट ओनर है। और ये कौन सा वाला वेरिएंट? S5 देख सकते हैं भाई और एलॉय वाला मॉडल है ये। एलॉय एडिशनल है मनदीप भैया? एलॉय एडिशनल है, बाहर से लगे हैं, बाहर शोरूम से लगे हैं एक्चुअली। ये S5 में आते नहीं है, S5 में आते नहीं। तो भाई ये डिटेल आपको मिल चुकी है गाड़ी की पूरी चीज़ें आपको, कोशिश मैं करता हूँ कि गाड़ी की पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिल जाए। बाकी कोई भी डिटेल अगर रह जाती है तो आपको बगल में मनदीप भैया का नंबर अभी शो हो रहा होगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी की डिटेल ले सकते हैं। इस पे कितना क्या डाउन पेमेंट हो जाएगा मनदीप भैया? इस पे भी 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच में हो जाएगा। इस पे भी 1.5 से 2 लाख रुपये? भाई गाड़ी देख लो, गाड़ी कंडीशन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देख ली है। अगली कौन सी गाड़ी होने वाली है? आइए मैं आपको कैरेंस दिखाता हूँ किया की। टॉप एंड वाला लग्जरी प्लस है, ये न्यू प्राइस 22,40,000 रुपये की आती है, मैनुअल में टॉप एंड है और इसकी डिमांड हमने 18,50,000 रुपये की रखी है। ये भी स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा। और ये कौन सा वाला मॉडल है? टॉप एंड है, लग्जरी प्लस। मतलब कौन से ईयर का है ये? ये 2022 2022 की गाड़ी है भाई। और गाड़ी कंडीशन देख लो, बिल्कुल ऐसे लग रही है कि शोरूम कंडीशन में गाड़ी है और शोरूम कंडीशन में जैसी आपको वीडियो के अंदर दिख रही है सामने से आपको भी वैसी ही दिखने वाली है। इस पे कैसे क्या कितना खर्चा और कितने पैसे लेकर के आने पड़ेंगे हमारे भाइयों को? इस पे भी 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास ही है हमारे पास मोस्टली गाड़ी और कुछ छोटी गाड़ियां हैं उस पे 50 से 75 हज़ार रुपए के इस पे हो जाता है। तो भाई एक चीज ये किया कैरेंस को देख करके मैं मनदीप भैया से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मनदीप भैया ये गाड़ी 2022 मॉडल की है, हमारे कोई भाई अगर नई गाड़ी लेने जाते हैं उसकी जगह ये गाड़ी लेते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? नई गाड़ी ये 22,40,000 रुपए की, हमने 18,50,000 की डिमांड रखी है, करीब करीब 4 लाख रुपए हम पहले ऑफर दे रहे हैं। गाड़ी लेस ड्राइवन है, सिर्फ 24,000 चली है, टॉप एंड वाला वेरियंट है और ये भी थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशियेबल है। तो जो डिमांड रखी है उसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगा।
तो भाई गाड़ी कंडीशन आप देख ली है, मॉडल आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचा मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई 2020-21-22 की गाड़ियाँ ही दिखाओ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये डील होने वाला है। अगली कौन सी गाड़ी देखने वाले हैं? ये देख लीजिए आप, टोयोटा रूमियन, 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च हुई है ये, और हमारे पास रीसेलिंग में भी आ गई है। 2023 मॉडल है, 1.5 महीने करीब पुरानी है, 3000 ड्राइवन है, 14 लैक्स की न्यू आती है, 13,90,000 के आसपास न्यू आ रही है, और इसकी डिमांड हमने 12 लैक्स रखी है। 12 लैक्स इस पे कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा। और इस पे डाउन पेमेंट की बात करें तो? इस पे डाउन पेमेंट की बात करो तो 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर हो जाएगा। 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए। भाई देख लो गाड़ी की कंडीशन, और गाड़ी का मॉडल भी आपको बता दिया, काफी ऊंचा मॉडल है। एक चीज मैं मंदीप भैया से पूछूंगा कि गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे भाई कमेंट करेंगे, उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 1 से 1.5 महीने पुरानी है, इसलिए नंबर इसका 2-4 दिन पहले ही आया है। अच्छा। और नंबर MP09 में है ये गाड़ी। अच्छा। और अभी नंबर प्लेट नहीं बनी है, नंबर प्लेट बनते हम लगा देंगे इसको। चलो तो भाई, जब भाई कोई गाड़ी वीडियो देखने के देख करके आने वाले हैं, तब उनको ये गाड़ी पे नंबर प्लेट मिलेगा। चलिए भाई, गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली है, अगली कौन सी गाड़ी होने वाली है मंदीप भैया? आइए मैं आपको एक क्रेटा और दिखा देता हूँ, ऑटोमेटिक है, 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, ऑटोमेटिक में है, और 9 लाख रुपए की डिमांड पे है। तो एक चीज़ आप गाड़ी की कंडीशन में पहले आपको चेकआउट करवा दे रहा हूँ। मीन वाइल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ देखी है, कॉम्पैक्ट SUV का जो स्टॉक है हमारे मंदीप भैया के पास में, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, और काफ़ी अच्छी डिमांड प्राइस में गाड़ियां हैं, जो कि नेगोशिएशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है, और साथ ही साथ जो डाउन पेमेंट है वो काफ़ी कम रखा है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो। एक बार मैं चाहूँगा मंदीप भैया इस गाड़ी की डिटेल भी ज़रूर बताएं एक बार, और हमारे भाइयों की क्या डिटेल होने वाली है इसकी? क्या पूछे? ये इसकी डिटेल क्या है? ये 2016 है, फर्स्ट ओनर है, ऑटोमेटिक है, और 65,000 के आसपास ड्राइवर है, और 9 लाख की डिमांड है। और ये डीजल में है? डीजल में, डीजल में, ये भी डीजल में, डीजल में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का स्टॉक आज हमने दिखाया है इस वीडियो में, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में ओवरऑल स्टॉक दिखाया है आपको, जो भी गाड़ियाँ दिखाई है वो आपको बजट वाली गाड़ियाँ दिखाई है, और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ आप लोग डिमांड करते हो वो दिखाई है। एक इनोवा हमारे सामने आ रही है, इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्या डिटेल होने वाली है, सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम फिर से जुड़ेंगे, और मंदीप भैया से और भी गाड़ी भी दिखा सकते हैं। और कौन सी गाड़ी दिखाएंगे वाले? स्विफ्ट दिखा दीजिए। स्विफ्ट दिखा देते, चलिए स्विफ्ट एक और बची है, वो हम आपको दिखा देते हैं। क्या डिटेल होने वाला है? 2020 का मॉडल है, Alexa है, इसमें CNG लगा हुआ है, और सिर्फ 24,000 चली है, और इसकी डिमांड भी हमने सिर्फ 5.5 लाख रुपए रखी है। 5.5 लाख पेट्रोल प्लस CNG? पेट्रोल प्लस CNG। तो ये CNG इसमें कंपनी फिटेड है या आफ्टर मार्केट? नहीं, आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट है। तो भाई गाड़ी की कंडीशन देख लिए, आपको CNG वाला ऑप्शन मिलता है स्विफ्ट के अंदर, डिमांड आपको बता दी है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मंदीप भैया से, इसके ऊपर कितने पैसे लेके आने हैं? इस पे भी आपको 50 से 75 हज़ार रुपये के आसपास पे काम हो जाएगा। 50 से 75 हज़ार। और ये फैसिलिटी डाउन पेमेंट की ज़रूर हमारे भाइयों को बता दीजिए कि ये MP के लिए है या फिर बाहर वालों के लिए भी? ये मोस्टली MP के लिए ही आप मान के चलिए, MP की गाड़ियों पे ही हम मोस्टली काम करते हैं, अदर सिटीज़ पे, अदर स्टेट पे हम नहीं काम करते। चलिए तो भाई, आपको जो डाउन पेमेंट और जो सारी चीज़ें लोन के बारे में आपको बता दी है मंदीप भैया ने, कि जो MP वाले भाई हों उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मंदीप भाई, आपको आपका वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का स्टॉक दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे भी कम बजट की गाड़ियाँ दिखाएं, स्टॉक जमाएं, और ये जो आउटलेट आप देख रहे हैं अभी अभी मंदीप भैया ने यहाँ पर चालू किया है, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा उनका जो एड्रेस था वो कहीं और का था, कहाँ का था एक बार जरूर बता। कार बाजार का था मेरा। हाँ। और मैंने इधर अच्छा 8,000-9,000 स्क्वायर फीट में प्लॉट डाला है, और यहाँ करीब करीब हमारे पास 60 से 65 कार्स हमेशा अवेलेबल रहेंगी, अवेलेबल रहेगी। अभी ये 4 दिन हुए हैं मुझे डाले, इसलिए ज़्यादा मेरे पास यहाँ बोर्ड वोड भी नहीं बन पाया अभी अभी। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में सब आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा, और 60-65 कार्स का आपको स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक मिलेगा। तो भाई ये भी आउटलेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आप अगर आते हो विजिट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। मंदीप भैया का नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कोई भी गाड़ी अगर आपको वीडियो में पसंद आई हो या फिर वीडियो के अलावा कोई गाड़ी आपको देखनी हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय।